मैं हूँ कोरोना, घाव से जो भर जाए कोना कोना। एक मैसेज आया था, लाइट गई। सॉरी गाइस, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, और मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। लाइक जब से वो कोरोना वाला डांस किया है उसके बाद से, पहले तो मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो गया, वापस से शूट कर रहा हूँ, प्लस अभी बीच में लाइट चली गई, मतलब कि कोरोना भाई बहुत ख़तरनाक है। तो प्लीज़ बच के रहिए, और हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं। आपको पता है हमारे पास महान व्हाट्सएप बाबा हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं सोल्यूशंस ढूंढने में कोरोना के ख़िलाफ़। तो कुछ कुछ सोल्यूशंस मुझे भी पता चले तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस हैं। उम्मीद है कि व्हाट्सएप बाबा को सबसे पहले हल मिलेगा हमारे प्रॉब्लम्स का। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कुछ कुछ सोल्यूशंस व्हाट्सएप बाबा के। तो पहला सोल्यूशन है असम के लिए, स्पेसिफिकली असम के लिए। जब जनता कर्फ्यू लगा था तो उसमें बोला गया था कि रात के 10 बजे तक, सुबह 5 बजे तक आप बाहर मत निकलेगा, क्योंकि एक प्लेन भेजा जाएगा जिसमें मेडिसिन होगी जो कि छिड़काव हो जाएगा, उससे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ असम के लिए। मतलब क्या बाकी इंडिया क्या इंसान नहीं है, इंडियंस नहीं है? एक और मैसेज आया था कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू हैव 7,000 रुपीज पर वीक अगर आप कोरोना की वजह से घर में रहते हैं। तो उसमें लिंक था आगे टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाइम्स एंड दिस एंड दैट। तो लोगों को लगता रियल है, लेकिन दबाओ तो उसमें क्या आता है, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसे तो सॉल्यूशंस फैल रहे हैं, ठीक है। एक और है, लॉजिक बिहाइंड ऑफ जनता कर्फ्यू, ठीक है। उसमें ये था कि 14 घंटे तक आप बंद रहेंगे ना, तो जहाँ पे भी लोगों ने वायरस फैला था या छुआ था वो सारे वायरस मर जाएंगे और उसके बाद सब खुला घूमिए। अच्छा, अगर इतना आसान होता तो इटली में इतनी मौतें तो नहीं हो रही होती, उनका हेल्थ सेक्टर भी हमसे ज़्यादा अच्छा है, फिर भी ताने। और एक और तो मस्त था, जो जनता कर्फ्यू में 5 बजे क्लैपिंग की थी हमने, उससे एक साउंड वाइब्रेशन निकलेगी जिसकी वजह से वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। वाह, मतलब इतना फेक कौन बनाता है, मेरे को मिल गया ना तो मैं तो उसकी कोरोना से मौत होना हो मैं ज़रूर मौत कर दूँ साले की, पता नहीं इतना फैलाता है। ये वाला तो एपिक है, मतलब अभी तक वायरस पता नहीं था और किताब में नाम छप के आ गया, लिखा है कि कोरोना वायरस का हल मिल गया इस किताब में और ये करने से आपका हल हो जाएगा। वाह, एपिक मैन, मतलब किताब भी लिख दी कोरोना वायरस पे। वाह। और एक और कि आप एक पुड़िया में लौंग कपूर इलायची दिस एंड डैट उसको रखिए, बांध के रखिए हाथ में, जिससे वो स्मेल से कोरोना वायरस आपको नहीं लगेगा। वाह, मतलब इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशन है, तो भाई साइंटिस्ट लोग पागल हैं, डॉक्टर लोग पागल हैं जो दिमाग लगा रहे हैं, है ना। एक और है सबसे ग्रैंड, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अभी अभी हुजूर साहिब वाले बाबा जी चोला छोड़ गए हैं, मतलब कि मर गए हैं, उनके मुख से निकले ये आखिरी वचन है, अदरक शक्कर या गुड़ चाय पत्ती पानी में उबाल के थोड़ा थोड़ा जिसने भी पी लिया उसको कोरोना की बीमारी नहीं होगी। तो ना नुस्खा आज, तो ये नुस्खा आज रात तक ही करना है, सवेरे उनके अंतिम संस्कार से पहले पहले। तो भाई अंतिम संस्कार तो हो गया, तो अब तो नहीं होने वाला आपका ये सोल्यूशन, जिसका विश्वास हो कृपया करके ज़रूर आजमाओ, और ये जानकारी अभी के सभी अपने सभी लोगों को भेज दो, ठीक है। कृपया करके इसका अफवाह ना समझें, अफवाह ना समझें, ये सिर्फ आज ही करना है। तो वो तो चला गया भाई, अब तो नहीं कर सकते, बाबा जी तो भाई महान थे, ओ बाबा जी। तो ये सब वायरसेस, मतलब मेरे लिए तो ये भी वायरस ही है जो फैल रहा है व्हाट्सएप में, सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन सबको। और 2019 में ऐसा निकाला गया था जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे, एक व्हाट्सएप नंबर निकाला गया था जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते थे फॉरवर्डेड मैसेज के, मतलब मैंने उनको रिप्लाई करके पूछा कि भाई चल रहा है कि नहीं, बट उन्होंने उनका रिप्लाई आया कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग नाउ। बट एक और हेल्पलाइन है, अगर आपको कोरोना के बारे में जानना है तो आपको माई गवर्नमेंट कोरोना का एक हेल्प डेस्क है, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोरोना
कैसे हो सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं ये वो, उसका नंबर है 9013151515। मैं नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे भी और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको नंबर सेव कीजिए व्हाट्सएप में, और ये एक तरह का बॉट है जो कि जियो ने बनाया है। सो उसमें आप कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो रिप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा सीरियस केस होगा तो कोई एक बंदा आ जाएगा आपको असिस्ट करने के लिए उसी पे। और एक नंबर है नेशनल स्टेट हेल्पलाइन, जहाँ पे आप कॉल करके आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ फीवर कफ या डिफिकल्ट लग रहा है ब्रीदिंग एंड ऑल। तो ये नंबर है 011-2397-8046। नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। सो इस पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, पैनिक मत कीजिए। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि खाना पीना आपको मिलता रहेगा, ग्रॉसरी स्टोर्स और ये सब खुला रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो पैनिक मत कीजिए, मतलब पैनिक बाइंग मत कीजिए, मतलब ले लेके रख लिया, स्टॉक बना रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। तो डिमांड हाई हो जाएगी तो सप्लाई कम, और फिर पैसे उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे। कहाँ से लेंगे वो लोग पैसे? लेबर लोग पर डे की इनकम पे तो जीते हैं, और आप लोग के पास तो बहुत है, लेकिन उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए। और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किए नेटफ्लिक्स, अमेजोन और यूट्यूब से कि अपनी स्ट्रीमिंग क्वालिटी थोड़ी सी गिरा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना इंटरनेट सर्च आएगा लोगों ने कभी नहीं सोचा था, मतलब कंपनीज ने कभी सोचा ही नहीं था। तो सीरियसली तो बहुत ही बड़ा वो चीज़ है, तो अटक रहा है। मैं भी एक हफ्ते में आज तक इतनी बार नहीं अटका हुआ, एयरटेल का कनेक्शन है मेरा घर पर, जितना अभी अटक रहा है। मतलब लाइक 2012 से लगा हुआ है, अभी इतना अटक गया। तो उसके लिए अच्छे मूव है, ये करना चाहिए। और अभी अभी एक और पता चला है कि WhatsApp पे एक अपडेट आने वाला है, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि ये फॉरवर्ड मैसेज फेक है या नहीं। सो उसमें एक आपको सर्च का आइकन मिल जाएगा, ये देखिए ऐसा। तो वो आइकन पे आप दबाएंगे तो वो गूगल पे सर्च कर देगा आपका वो जो कंटेंट आया है, और बता देगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं, और आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं सर्च करना तो। सो ये अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द, ये अभी मेरे को पता चला। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्चुअल में, तो प्लीज़ who.int पे लॉग इन कर सकते हैं आप, या फिर अपना जो अपना खुद का है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, उसको सर्च कीजिए गूगल पे, आपको उसकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। और मेरे को फॉलो कर सकते हैं सबसे बढ़िया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज, या इन सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे तो नहीं, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा लिंक्स, आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपडेट्स सारे देते जा रहा हूँ। सो उसके पैनिक की बात नहीं है। और एक और वायरस निकला हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, यूट्यूब पे फैले जा रहा है, कोरोना कोरोना, काम ये करोना, दुआ ये करना, किसी को ये होना। आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, आपने देख भी लिया होगा, मतलब इतनी घटिया वीडियो है फिर भी लोग देखते हैं। मैं अभी ढूंढ ही रहा हूँ, एक मिनट। हाँ ये रहा, मतलब क्या है ये? और ये टिकटॉक में तो मजाक बना के रखा है, मतलब इतना सेंसिटिव इशू है तो लोग यहाँ पे मजाक बना रहे हैं कोरोना वायरस का। और टिकटॉक आपका लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के पास होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी वही है, तो हाई क्लास तो समझदार है। तो लोग वहाँ देख रहे हैं कोरोना वायरस ये वो हंसी मजाक है, तो लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं और सीरियस नहीं ले रहे हैं, और बाहर आ रहे हैं मज़े कर रहे हैं, ये है वो है। तो प्लीज़ टिकटॉक ऐसा, प्लीज़ बी सीरियस, मत बनाइए वीडियोस, और प्लीज़ टिकटॉक मत फॉलो कीजिए। टिकटॉक में कुछ नहीं आता, सब कचरा ही है, आप पता नहीं क्या टिकटॉक लगा रखा है, बहुत ही घटिया है वो तो। और अभी अभी मेरे को एक पता चला, जब मैं वीडियो बना रहा था उसी टाइम मेरे को पता चला कि WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला है कि हम इंडिया ने इरेडिकेट कर दिया था स्मॉल पॉक्स को, पोलियो को, हमेशा के लिए, और इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो कॉम्बैट कर सकता है COVID-19 से भी। तो देखिए, डरिए मत, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पावर है तो हम कर लेंगे। सो बी रिलैक्स, हम करेंगे अच्छे से। और हाँ, ये जो बाहर घूमते हैं ना लोग कि हाँ हाँ चलो देखते हैं कि जनता कर्फ्यू ख़त्म हो गया 9 बजे, देखते हैं कैसा लग रही रोड, खाली पड़ी है ये वो, उसमें चल दिए देखने के लिए। मैंने खुद देखा था, एक बेवकूफ स्कूटर लेके घूम रहा था देखने के लिए, विदाउट हेलमेट वो भी, हाँ देखने के लिए कि भाई कितना खाली है रोड। अबे यार, उसको बोलते हैं कोविडियट, ये एक डिक्शनरी में टर्म आ गया, कोविडियट मतलब कि बेवकूफ। अच्छा ये है। सो बस इतना इन्फॉर्मेशन देना था, आई गेस मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। और प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ,
यार मैं भी रनिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे अपने घर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले में भागना। कॉलोनी में भाग सकता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद, लेकिन मैंने अगर स्टेप आउट किया तो गड़बड़ है, मतलब कोई एक बार भी बाहर निकला तो फिर नहीं अच्छा। तो मैं तब से बाहर नहीं निकला जब से जनता कर्फ्यू हुआ है, हाँ उसके पहले से बाहर नहीं निकला। और बहुत सारे ये सब ऐप्स वगैरह भी फ्री अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ताकि लोग यूज़ कर सकें जब तक वो घर में है। सो लाइक एडिडास रनटास्टिक मैं यूज़ करता हूँ, उसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में मेरे को दे दिया गया है 3 महीने के लिए। सो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं एडिडास रनटास्टिक और इन्जॉय कीजिए और घर में एक्सरसाइज कीजिए और बहुत कुछ कर सकते हैं घर पर। आप बोलिए तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। और हाँ, व्हाट्सएप के मैसेजेस जो मैंने बताए हैं उससे भी इंटरेस्टिंग या कुछ भी आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट पे मेरे को बताइएगा, मैं भी आप लोगों के साथ हंस लूँगा कि अच्छा ऐसा भी कोई सोल्यूशन है हमारे व्हाट्सएप बाबा के पास। और प्लीज़ अपने माँ बाप ग्रैंड पेरेंट को समझाइए कि व्हाट्सएप न्यूज़ नहीं आती है, व्हाट्सएप न्यूज़ के लिए नहीं बना है, उसमें सब फेक है, कुछ भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्लीज़ रोकिए उनको, उनको बोलिए आप टीवी न्यूज़ चैनल देखिए, सब कुछ देखिए, उसमें जो भी आ रहा है हम मानेंगे, लेकिन आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे जो भी मानिए, जो भी आ रहा है मत मानिए। और आप कुछ भी अपनी डीड स्टार्ट कर सकते हैं यार, आप घर पे हैं कुछ भी सीखिए। मैं भी एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, फ्री हूँ तो ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो प्रोडक्टिव बनाइए आपके घर में रहना, ऐसा नहीं है कि आप। और वर्क फ्रॉम होम वालों को भी मैं दर्द समझ सकता हूँ, मतलब सब घर में मज़े कर रहे हैं और आपको काम करना पड़ रहा है बैठ के। कोई नहीं, घर बैठे बैठे आप कमा रहे हो, वही अच्छा है। और टेंशन नॉट, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ को कि ड्यूटी से किसी को नहीं निकाला जाएगा और ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहेगा जब तक वो घर से काम कर रहा है। अगर उसका घर से काम नहीं भी कर रहा है तो भी वो ऑन ड्यूटी है, उसको पे मिलेगा। सो सब चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हाँ, पेट्रोल का प्राइस 8 रुपये बढ़ गया है तो क्या कर सकते हैं ना, अभी तो चला भी नहीं रहा कोई, तो बस यही सब है। आई गेस इतने अपडेट्स काफ़ी हैं, वरना आप भी बोर हो जाएंगे कि कितने अपडेट्स देगा। सो थैंक यू दोस्तों। बस एक ही स्लोगन मैं आपको कहना चाहूँगा, रेस्ट इन होम या रेस्ट इन पीस, अब ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूँगा, शेयर करना है तो आपको अगर मेरे अपडेट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बस ये फेक न्यूज़ रोक दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही ठीक है, दूर से ठीक है, चलिए बाय।